एबीपी न्यूज पर यह खास कवरेज देख रहे हैं आप। आईपीएल सट्टेबाजी में आज फैसले का दिन है। जस्टिस लोढ़ा कमेटी तय करेगी मैयप्पन और राज कुंद्रा का भविष्य। साथ ही साथ बड़ा सवाल, टीम्स का क्या होगा? जस्टिस लोढ़ा कमेटी मैयप्पन और राज कुंद्रा को सजा सुनाएगी। गुरुनाथ मैयप्पन, राज कुंद्रा पर बैन भी लग सकता है। जस्टिस मुदगल कमेटी ने मैयप्पन कुंद्रा को दोषी बताया था, पहले ही दोषी करार दिया जा चुका है दोनों को। मैयप्पन राज कुंद्रा पर आईपीएल सीजन 6 में सट्टेबाजी का दोष सिद्ध हो चुका है। आज चेन्नई और राजस्थान की टीम्स को लेकर भी फैसला करेगी जस्टिस लोढ़ा कमेटी। दोपहर 1 बजे तक ये फैसला आने की उम्मीद। फिलहाल हम सीधे रुख करेंगे, मेरे साथ एबीपी न्यूज संवाददाता अंकित गुप्ता इस वक्त मौजूद है। अंकित, 3 सदस्यीय जस्टिस लोढ़ा कमेटी, क्या कमेटी के सदस्य इस वक्त मौके पर पहुंच चुके हैं और किस तरीके से फैसला सुनाया जाएगा, जरा बताइए दर्शकों को। जी बिल्कुल, इस वक्त हम उसी हॉल में मौजूद हैं, इंडिया हैबिटेट सेंटर में, जहां पर 1 बजे के बाद में ये फैसला सुनाए जाने की उम्मीद है। फिलहाल आपको दिखाना चाहूंगा कि किस तरीके से यहां पर जो 3 सदस्यीय कमेटी की हम बात कर रहे हैं, जस्टिस लोढ़ा उसको हेड कर रहे हैं। उस कमेटी में जस्टिस आर वी रविंद्रन है और तीसरे जो जस्टिस है वो है जस्टिस अशोक भान। वो तीनों ही जस्टिस यहां पर इसी मंच के सामने बैठेंगे। चेयर्स पड़ी हुई हैं, अभी फिलहाल चेयर्स हमको खाली नजर आ रही हैं, लेकिन 1 बजे के आसपास ये तीनों ही जो जजेस की कमेटी है वो यहां पर पहुंचेंगे। इसी तरीके से यहां पर उनके जो वकील हैं, कमेटी के वकील हैं, मिस्टर गोपाल शंकर नारायण, उनके लिए भी एक चेयर लगाई गई है। तो ये इंतजाम है दोपहर 1 बजे के लिए। लेकिन इसके साथ ही में अगर हम मीडिया की प्रेजेंस की बात करते हैं तो पूरा हॉल एक तरीके से भरा हुआ है। मीडिया के जितने कैमरेज हैं वो लगा दिए गए हैं, क्योंकि सबके लिए एक बहुत बड़ा दिन है, क्योंकि आईपीएल ये फिक्सिंग मामला है। इस मामले पर आज इस तरीके से जजेस की कमेटी अपनी रिपोर्ट देने वाली है, और सिर्फ रिपोर्ट नहीं, सजा का ऐलान करेगी, ये कहना गलत नहीं होगा। एक चीज और इंपॉर्टेंट, आज का जो ये जजमेंट, जी आज का जो जजमेंट है वो 2 मुख्य चीजों पर आधारित होगा। पहला, राज कुंद्रा और गुरुनाथ मैयप्पन का जो नाम निकल के सामने आया है, क्या उनको फाइन लगाया जाता है या सजा का ऐलान होता है। लेकिन दूसरी अहम चीज, जो वो टीम ऑफिशियल से यानी कि राजस्थान रॉयल और चेन्नई सुपर किंग, उनका भविष्य क्या होगा, क्या उनके खिलाफ भी कोई आदेश पारित होता है, कार्रवाई होती है। क्योंकि जो टीम के बाकी ओनर्स थे, को ओनर्स थे, उनका ये कहना था कि अगर इनका कहीं रोल पाया भी जा रहा है तो उसका खामियाजा पूरी टीम को नहीं उठाना चाहिए। तो इस तरीके की बातें भी सामने आई थी। लेकिन निश्चित तौर पर अब से करीबन 1.5 घंटे बाद हो सकता है इस मामले में एक अहम फैसले का ऐलान।